का, कोई भी आज तक पूज गुरुदेव दिया आपने जो नहीं दे सका कोई भी आज तक देना दे बुद्धि को श्रृष्ठ चिंतन दिया आपने बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने भी आज तक उज गुरुदेव वे दिया अपने गुरु गुरुदेव ਬਗਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ से मचलने लगे कुछ पर अनुग्रह किया आपने अनुग्रह किया आपने जो नहीं दे सका कोई भी आज तक कुछ गुरुदेव ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਵੰ ਦੇਵ ਪਰ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਣੇ रहे विश्व की वेदना से विकल रहे दिल मिलाया बोरे विश्व ने दिल मिलाया होने विश्व ने जो नहीं दे सका कोई भी आज तक दे कोई भी आज तक कुछ गुरुदेव बाबर दे दिया कुछ गुरुदेव बाबर दे दिया अपने कुछ गुरुदेव बाबर दे दिया अपने पुज बरिया अनुया अपने परम पुज गुरुदेव आज का विषय भी यही है पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत कल श्रद्धे डाक साहब ने हम सबसे कहा था कि ये युवा क्रांति वर्ष है हर एक परिजन को युवा बनना पड़ेगा युवा बन करके युवाओं को खोजना पड़ेगा हमारे गुरुदेव भी चिरी युवा और एक चिरी युवा गुरुदेव की वसीयत यही है कि उनके जीवन से हम कुछ सीख लें तो इस विषय को हमारे बीच में रखने के लिए एक युवा प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की गोद में खेलने का सौभाग्य आपको मिला है पूज्य गुरुदेव की अपेक्षा के अनुरूप ही अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए एम की शिक्षा आपने भारत से प्राप्त की और उसके बाद उसके मास्टर्स के लिए एम आर इन साइकोलॉजी आपने यूके से किया और वहीं एक मनोचिकित्सक के रूप में आपने सेवाएं देना प्रारंभ किया विश्व के विख्यात मनोचिकित्सक के रूप में कार्य किया जिन्होंने आध्यात्मिक साइकोलॉजी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पे काम किया जो मनोरोग की बड़ी बड़ी बीमारियां एल्जाइमर जैसी बीमारियों को आध्यात्मिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सके ट्रीटमेंट तो हो उसके साथ ही लोगों की स्मृति को वापस लाया जा सके उसके बाद फिर बात आई कि मनुष्य अपनी गरिमा को भी तो भूला हुआ है केवल स्मृति में कुछ याददाश्त चली गई हो मनोरोग केवल उतना ही नहीं है आज तो मनुष्यता मनोरोगी हो चुकी है और वो अपनी गरिमा को खो चुकी है और उसको ठीक करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का ये अभियान है प्रज्ञा अभियान युग निर्माण योजना तो आदरणीय डॉक्टर साहब वहाँ से शांति कुंज आ गए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और परम पूज्य गुरुदेव की उस उस सपने को साकार करने के लिए लग गए हम सभी कह रहे हैं कि मानवता के बीज के सजने का काम शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है गुरुदेव कहते थे मनु की नाव है और इसमें संस्कृति के बीज बचाए जा रहे हैं और उसी का एक प्रयोग है देव संस्कृति विश्वविद्यालय जहां हम अपनी संस्कृति के बीजों को युवाओं के अंदर रोपने का काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से इस मनु की नाव में वो संस्कृति आने वाले समय में जीवित रह सकेगी क्योंकि बाहर तो क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक कुशल प्रहरी के रूप में प्रतिकुलपति के रूप में आप सुशोभित हैं गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जब कहता है कोई व्यक्ति कहता है तो मुंह के बात उसके मुंह तक जाती है जो मुंह से कहता है लोग मुंह से तारीफ करके घर चले जाते हैं चरित्र के बात उसके चरित्र तक जाती है वो उसका अनुकरण करता है और हृदय की बात उसके हृदय तक जाती है वो उसको छू लेता है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है आदरणीय भाई साहब के कि कि जब मुख से वाणी निकलती है तो शायद वो हृदय से निकलती है हम लोगों ने भी देखा है कि जहाँ जाते हैं लोगों के हृदय को छू लेते हैं देश ही नहीं विदेश में जहाँ भी जाते हैं लोगों के हृदय को छूते हैं क्योंकि वो बात आपके हृदय से निकलती है दुनिया भर में देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय संस्कृति के, के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने भी विदेश मंत्रालय ने भी एक उनका आई एक एक ग्रुप है जिसके सदस्य के रूप में आपको मनोनीत किया है पूरे विश्व में देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए तो हम बड़ी श्रद्धा से आप सबकी तालियों के साथ आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें बताएं कि गुरुदेव हमको क्या देना चाहते हैं उनकी क्या वसीयत और विरासत है जिसको हम धारण करें धन्यवाद आशीष मित्रों सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को आरंभ करना चाहूंगा मुझे याद आता है कि संभवतया उन्नीस की घटना होगी प्रोविडेंट फंड एक व्यवस्था है जिसमें यदि किसी भी संस्थान में पंद्रह से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं तो आपको सरकार को उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो उत्तर प्रदेश उस समय में ये राज्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था वहाँ के प्रोविडेंट फंड के जो अध्यक्ष थे वो परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए आए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव नई व्यवस्था आ गई है आप लोगों के यहाँ पे पंद्रह से ज़्यादा लोग काम करते हैं आपको उनका प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा ई एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम होता है वो भी आपको देना पड़ेगा तो गुरुदेव बोले बेटा तेरे नियमों में क्या लिखा हुआ है बोले गुरुदेव हमारे नियमों में लिखा हुआ है कि यदि आपके यहाँ पंद्रह से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है तो गुरुदेव बोले बेटा कर्मचारी तेरे यहाँ होंगे मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे काम करते हैं बोले मेरे मैं इनका पिता हूँ इनको कोई कष्ट हो जाता है तो इनकी जेब में जेब खर्च रख देता हूँ ये लोग मांगते नहीं हैं मुझसे पर इन लोगों को कभी कष्ट हो जाता है तो इनकी जेब में अपनी ओर से कह करके डाल देता हूँ कि बेटा तुम लोग इस काम को कर लेना तो उनको लगा कि गुरुदेव से तो शायद इस बात को मैं नहीं कह पाऊँगा वो नीचे लौटे वंदनिया माता जी के पास बैठे वंदनिया माता से ये बात बोली तो वंदनिया माता जी बोली कि बेटा गुरुदेव ने क्या कहा था तो बोले गुरुदेव ने ऐसा ऐसा बोला था तो माता जी बोली बिल्कुल ठीक बोला था बेटा वो पिता हैं मैं माँ हूँ हम दोनों अपने बच्चों का कष्ट हरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हम लोग यहाँ पर कोई संगठन चलाने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग परिवार बड़ा करने के लिए बैठे हैं तो बोले माता जी यदि आप नहीं मानेंगी तो हो सकता है कि यहाँ पर कानून की दस्तक आ जाए आपको नियमों का पालन करना पड़े लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है तो माता जी बोली बेटा प्यार से तुझे बोल रही हूँ माँ हूँ इसलिए यहाँ पर हमारे बच्चे रहते हैं उन पर कोई कष्ट हम लोग कभी आने नहीं देंगे और ये तेरा बहुत मन है और तू उनको कष्ट देना ही चाहता है तो तू देख करके देख ले जहाँ तेरे हाथ होंगे मैं हाथ काट लूँगी और मैं आपको बताऊँ कि उसके चेहरे पर प्रोविडेंट फंड के जो अधिकारी आए थे उनके चेहरे पर उस समय में जो भय था वो मैंने जिंदगी में किसी और के चेहरे पर नहीं देखा तो सबसे पहले उन्हीं पितृतुल्य गुरुदेव को उन्हीं मातृतुल्य माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरम्भ करना चाहूँगा वो लोग भले से सशरीर हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं है दोस्तों पर यह बात सत्य है कि इस परिसर का अणुअणु उनकी उपस्थिति का साक्षी है इस परिसर में ऐसा कुछ नहीं घटता जो वंदनिया माता जी के परम पूज गुरुदेव के अनुमति के बगैर घटता तो सबसे पहले उन्हीं शक्ति को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ इस छोटे से वार्तालाप को मैं शुरू करना चाहूँगा गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का मंत्र है हम लोग संस्कृत में बोलते हैं सविता सर्वस्व प्रसविता जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया प्रसव से शब्द निकल करके आया है कि जिसने पूरी सृष्टि को पूरे ब्रह्मांड को पूरे संसार को पूरी दुनिया को जन्म दिया उस सृष्टि से हम लोग दो चीज़ें मांगते हैं वही दो चीज़ें जो हम भगवान सूर्य से मांगते हैं भगवान सूर्य हमें देते हैं प्रकाश और भगवान सूर्य हमें देते हैं ऊर्जा हम लोग अंधेरे में खड़े हों सूर्य की किरणें वहाँ पहुँचती हैं प्रकाश पहुँच जाता है आलोक पहुँच जाता है और हम लोग यदि ठंड में खड़े हों भगवान सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँचे तो गर्मी आ जाती है यही दोनों भाव गायत्री मंत्र के अंदर समाहित हैं कि हे है भगवान सूर्य हे सविता देवता हे माँ गायत्री हम लोग अंधकार में हैं हमारे जीवन को आप प्रकाशित करिए आलोकित करिए हमारे जीवन में जो भी अशुद्धियाँ आ गई हैं दोष आ गए हैं दुर्गुण आ गए हैं है, उनको आप तपा करके निकाल दीजिए परिष्कृत कर दीजिए परिमार्जित कर दीजिए परिशोधित कर दीजिए तो इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें भगवान सूर्य का परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का मां गायत्री का ध्यान करें ओ भूर्भुआ स्वा तत्सवे तुर्वण्यम भरगो प्रचोदया परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस संगठन साधना सत्र के द्वितीय दिन पर यहाँ हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कपिल मामा जी आदरणीय गौड़ मामा जी आदरणीय कालीचरण मामा जी आदरणीय भटनागर मामा जी और अन्य सभी मामा जी लोग जो पीछे बैठे हैं और इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए इस गायत्री परिवार के सभी समर्पित नैष्ठिक कार्यकर्तागण भाइयों बहनों मित्रों आज हम लोग यहाँ पर इस संगठन साधना सत्र के शुभ अवसर पर मिल रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके मजबूत नैष्ठिक और समर्पित कंधों पर इस मिशन को आगे बढ़ाने की परम पूज्य गुरुदेव की कार्य योजना को आगे बढ़ाने की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है मुझे याद पड़ता है कि वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी ने इसी तरह के सत्र क्षेत्रों में चलाए थे गायत्री तपभूमि में चलाए थे शांति कुंज में चलाए थे दूसरे नामों से चलाए थे पर उनके पीछे का उद्देश्य एक ही था कि अपने संगठन को बढ़ाने की अपने इस परिवार को आगे ले चलने की कार्य योजना पर समय समय पर साथ बैठकर समीक्षात्मक रूप से चर्चा कर ली जाए ताकि जो वर्षों के अनुभवों से सीखा गया है आप लोगों का जो अनुभव है इतने वर्षों तक क्षेत्रों में काम करने का जो अनुभव है परम पूज्य गुरुदेव के सामीप्य के सौभाग्य का जो अनुभव है उसे सामयिक संदर्भ में नवीन विचारधारा के साथ नूतन उत्साह के साथ नए संकल्प के साथ नई पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को भरने वाली पीढ़ी को सौंपा जा सके सीधे सरल अर्थों में पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत यही है दोस्तों वसीयत का अर्थ होता है कि हमने क्या पाया विरासत का अर्थ होता है कि हम क्या छोड़ करके गए हम लोगों ने गुरुदेव से जो सीखा उसे हम नई पीढ़ी तक कितना पहुंचा पा रहे हैं उनने अपने जीवन से जो हमें दिया अपने व्यक्तित्व से कृतित्व से जो हम तक पहुंचाया, उसको हम लोग वर्तमान संदर्भ में सामयिक संदर्भ में नई पीढ़ी तक कितना पहुंचा पा रहे हैं वो गुरुदेव की वसीयत और विरासत है यदि हम लोग पुस्तक की दृष्टि से देखें तो उनकी जीवन यात्रा उसके अंदर समाहित है उनके जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो हमारी वसीयत और विरासत में पूज्य गुरुदेव ने न लिखा चाहे वो उनका बचपन हो चाहे वो उनका साधक का रूप हो चाहे वो उनका सुधारक का रूप हो चाहे वो उनका तपस्वी का रूप हो चाहे वो उनका युग निर्माता का रूप हो चाहे वो उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रूप हो उनके जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो हमारी वसीयत और विरासत के अंदर न हो पर दोस्तों ये समय उनकी पुस्तक पर चर्चा करने का नहीं उनकी विरासत पर चर्चा करने का नहीं बल्कि उनकी विरासत पर अमल करने का है क्योंकि ये समय बड़ा विशिष्ट समय है दोस्तों और मैं उसी विषय पर आपसे दो बातें करना चाहूँगा कि वसीयत और विरासत में गुरुदेव जो लेगेसी छोड़ करके गए हैं जो संदेश हम लोगों के लिए छोड़ करके गए हैं आज की तारीख में उससे हमें क्या लेकर के चलने की आवश्यकता है और आने वाली जनरेशन को क्या देने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये समय बड़ा विशिष्ट समय है और ये बात कहने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ यदि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की एक एक पंक्ति को उसमें बरसती आग को उसमें धधकते शोलों को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें चेतावनी के स्वर बार बार सुनाई पड़ते हैं जो मैं आगाह करते हैं कि आज मानवता एक बड़े भीषण भयावह और विषम दौर से गुजर रही है एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब मनुष्य अपने लक्ष्य से अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटका हुआ नजर आता है एक ऐसे दौर से गुजर रही है दोस्तों जब जनसंख्या तो बढ़ गई है मानवता हम लोग खो बैठे हैं आज की तारीख में दुनिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पर जिसको हम लोग मनुष्यता कहते हैं मानवता कहते हैं वो हम पूरी तरह से खो बैठे लोगों के घर बड़े हो गए हैं परिवार छोटे हो गए हैं लोगों के पास एजुकेशन बढ़ गई है पहले की तुलना में ज़्यादा पी आपको सड़कों पर घूमते हुए मिलेंगे कॉमन सेंस खत्म हो गई है लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है और दोस्तों ये ऐसा समय है जब भगवान के पास से दिव्यता की सौगात महानता की संभावनाएं और उत्कृष्टता का उपहार अपने माथे पर लिखा करके लाया मनुष्य आज नीचता का क्षुद्रता का निकृष्टता का और पशुता का जीवन बड़े गर्व और गौरव से गुजारता हुआ नजर आ रहा है बड़ा दुर्भाग्य का समय है दोस्तों इस पर बड़े गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हो गया है मनुष्य को आज यदि हम लोग देखें तो भगवान ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया जो उनने और किसी प्राणी को नहीं दिया चाहे वो शानदार शरीर हो चाहे वो बेहतरीन दिमाग हो चाहे वो उत्कृष्ट भावनाएं हो चाहे वो उन्नति की उत्कर्ष की उत्थान की संभावनाएं भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया और किसी को नहीं दिया और आज दुर्भाग्य से मनुष्य उन सबको भुला करके एक जानवर का और दो कौड़ी का जीवन जीता हुआ नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से यह समय यदि वसीयत और विरासत को हम लोग ध्यान से पढ़ें तो हमें लगेगा कि एक व्यक्तित्व तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारे बीच में से निकल करके गया और उसने जीवन की हर महानता की संभावनाओं को पूरी तरह से साकार किया यदि हम लोग वसीयत और विरासत को पढ़ें दोस्तों तो उसमें से जो हमें लेने की आवश्यकता है वो ये लेने की आवश्यकता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में महानता की एक संभावना लेकर के आया है और हमें अपने अंदर उतर करके अपने अंतर्मन में गहरे जा करके अपने आप से पूछने की आवश्यकता है आत्म समीक्षा आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम लोग अपनी महानता की संभावनाओं के साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं उसके साथ कितना जस्टिस कर पा रहे हैं आज यदि हम लोग देखें गायत्री परिवार के लोगों की मैं बात नहीं कहता दुनिया के जितने भी पुण्यात्मा है वो गायत्री परिवार के अंदर समाहित है यहाँ पर हर व्यक्ति यदि अपने अंतर्मन में गहराई से जाकर के देखे तो पाएगा कि भगवान ने परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तिगत इंटरव्यू लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को इस गायत्री परिवार का सदस्य बनाया है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने अंदर महानता की संभावना लेकर के नहीं आया यदि हम लोग दुनिया की 99.9 परसेंट पॉपुलेशन को देखें उन लोगों को देखें जो इस परिसर के बाहर रहते हैं उन लोगों को देखें जो गायत्री परिवार का अंग नहीं है उन लोगों को देखें जो परम पूज्य गुरुदेव के अवयव नहीं है दोस्तों तो हम पाएंगे कि ज्यादातर लोग वो जीवन जी रहे हैं जिसे गुरुदेव नर पशु का जीवन कहा करते थे नर पशु का मतलब कि वो लोग जिनकी आकृति जिनकी संरचना जिनकी बनावट इंसानों जैसी हो उनकी सोच में पशुता आ गई हो दिखने में बोलने चालने में हमारे जैसे लगे वो लोग पर उनका चिंतन पार्श्विक हो गया पार्श्विक चिंतन का मतलब यह होता है दोस्तों कि जिसको सामाजिक मर्यादाओं का सामायिक नीतियों का सामाजिक वर्जनाओं का होशवास नहीं रहता कहां किसके साथ कैसा व्यवहार करना है क्यों करना है इसका उसे भान नहीं रहता जानवर को आप देख लीजिए चौराहे पर होंगे गलत काम करना है वहीं पर शुरू हो जाएंगे उनको इसका कोई भान नहीं है कि हम लोग कहां पर खड़े हैं क्या करने के लिए खड़े हैं और दुर्भाग्य है दोस्तों कि आज ज़्यादातर मनुष्य अपनी पशुता का प्रमाण कदम कदम पर बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं कहीं पर भी चले जाइए आप लोग यदि आपको गुरुदेव की कथन की सत्यता का अंदेशा लेना हो उसका प्रमाण जुटाना हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप भारत भ्रमण पर निकल जाइए भारत के प्रत्येक राज्य में जाइए किसी भी भाषा का अखबार उठाइए आज का उठाइए एक साल पहले का उठाइए और दस साल पहले का उठाइए और उसको उठा करके पढ़ना शुरू करिए आपको लगेगा कि आप नर पशुओं का अखबार पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि आप जानवरों का अखबार पढ़ रहे हैं इंसानों का अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आपको उन अखबारों के अंदर हरियाणा की खबर पढ़ने को मिलेगी दोस्तों यदि आप लोग अभी दो महीने पहले का हरियाणा का अखबार उठा करके देखें तो आपको उसमें उस व्यक्ति की कहानी मिलेगी जो अपने घर से उसकी पत्नी और बच्चे बीमार थे वो घर से पैंतीस हजार रुपये लेकर के निकला कि मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले करके आता हूँ और रास्ते में जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहे थे उनने जान पीछे से आकर के उसकी मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी जानबूझ करके व्यक्ति को मरने के लिए लहु लुहान सड़क के किनारे छोड़ दिया नेशनल हाईवे पर 25 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा गाड़ियां वहां से गुजरी होंगी एक गाड़ी उस व्यक्ति की हेल्प के लिए सहायता के लिए वहां पर नहीं आई एक व्यक्ति नहीं आया 25 मिनट के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति उतरा 25 मिनट के बाद जो उसकी जेब में से पच्चीस हजार रुपए निकालने के लिए मोबाइल निकालने के लिए हाथ की अंगूठी निकालने के लिए आया था दोस्तों पशुता है इसको आप जानवर कह सकते हैं शरीर हमारे जैसा है आकृति हमारे जैसी है बनावट हमारे जैसी है पर ये लोग जानवर हो गए दोस्तों आपको इन अखबारों के अंदर हरियाणा की खबर मिलेगी आपको इन अखबारों के अंदर चंडीगढ़ की खबर मिलेगी चंडीगढ़ की आप दो हफ्ते पहले की खबर उठा लीजिए कि एक व्यक्ति जो अपनी जिसकी पत्नी गर्भवती थी अभी अभी उसने डिलीवरी करी थी छोटा सा बच्चा था प्रीमेच्योर पैदा हुआ उसको वो ले गया आईसीयू में एडमिट कराने के लिए इतनी देर में जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी थे शर्मिंदगी की, की बात है हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी थे उनने उस महिला के साथ व्यविचार किया ये लोग कौन है दोस्तों ये लोग इंसान जरूर हैं इनके अंदर पशुता हावी हो गई इनके चिंतन पर पार्श्विकता हावी हो गई आप लोग चले जाइए आपको अखबारों में आईसिस की कहानी देखने को मिलेगी आईसिस की कहानी में तिहत्तर लोगों को उसने उठाया उठा करके बंधकों को बस के अंदर बंद कर दिया और बंद करने के बाद सब जगह पर बम लगा दिया बम लगाने के बाद रिमोट चार साल के बच्चे के हाथ में दे दिया चार साल के बच्चे को कहा कि बेटा तू रिमोट दबा और बच्चा रिमोट दबाता है और ये लोग चिथड़े चिथड़े करके उड़ते हैं बच्चा ठहाके लगा लगा करके हंसता है इस वीडियो को उन लोगों ने अपलोड कर दिया चार साल के बच्चे का बचपन खराब कर दिया हजारों लोगों की मानवता खत्म कर डाली दोस्तों ये जो घट रहा है ये सही नहीं घट रहा है ये जो घट रहा है इसको देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमको मानवता की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है कि क्या हम लोग मनुष्य का जीवन हम लोगों ने इसलिए लिया था कि इस तरीके के जीवन को अपने चारों ओर घटते हुए देखें मनुष्य भगवान के पास से इतनी शुभ संभावनाएं इतने शुभ अवसर लेकर के आया था कि यदि वो चाहता तो परम पूज गुरुदेव की तरह से स्वामी विवेकानंद की तरह से रामकृष्ण परमहंस की तरह से महर्षि अरविंद की तरह से जीवन जी सकता था और इस धरती पर स्वर्ग का आनंद का उल्लास का वातावरण भी निर्मित कर सकता था और आज वही मनुष्य सब कुछ भुला करके सिर्फ निकृष्टता का जीवन जीता हुआ नजर आ रहा है कहाँ उसके पास धर्म की संभावना थी न्याय की संभावना थी सदाचार की संभावना थी आध्यात्मिक उत्कर्ष की संभावना थी उन सबको भुला करके आदमी गधे घोड़े का जीवन जी रहा है मैं आपको बताऊं भागवत में कथा आती है भागवत में कथा आती है राजा प्रसीन भद्र की प्रसिन्न भद्र जो थे मर गए बत्तीस साल की उम्र थी उनकी बत्तीस साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और जितने राज्य के लोग थे वो चिंतित हो गए उन्होंने कहा कि साहब इतनी कम उम्र में इनका देहांत हो गया है पत्नी भी अभी इनके बच्चे भी नहीं है राज्य कौन चलाएगा सबके सब जो है कुलगुरु के पास पहुंचे कुलगुरु थे महर्षि अगस्त महर्षि अगस्त उनने प्रार्थना करी कि साहब आप इतने बड़े महर्षि हैं आप इनकी आत्मा को कहीं से भी ढूंढ करके वापस इनके अंदर डाल दीजिए अगस्त ने कहा ठीक है वैसे विधि के विधान के विपरीत है पर फिर भी तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो तो मैं ऐसा कर दूंगा करने के लिए पर पहले उस राजा की आत्मा को ढूंढ करके ले आओ भगवान जाने कहाँ पैदा हो गया है वो वो ले आओ तुम और मैं इसको डाल दूंगा इसके शरीर के अंदर पता करा गया पता चला कि राजा जो है इतनी देर में अपने ही बाग में कीड़ा बन करके पैदा हो गए ठीक है साहब आप कीड़े के पास गए कि आप उनसे प्रार्थना करनी शुरू करी जैसे ही राजा को पता चला कि ये लोग मेरे को लेने के लिए आए हैं राजा ने अंदर घुसना शुरू कर दिया उसी मिट्टी के अंदर जितना गहरे घुस सकते थे उतना गहरा घुसना शुरू कर दिया जितना अंदर जा सकते थे सब लोग पीछे पड़े भाई कहाँ जा रहे हो उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं कीड़ा हूँ कीड़ा बन करके खुश हूँ मैं मुझे राजा नहीं बनना बोले मुझे, मुझे जो कीड़े का जीवन मिल गया है मैं इसी में प्रसन्न हूँ तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको मनुष्य का शरीर मिल गया है पर वो कीड़े का जीवन जीना जीने में ही खुश उनको जो जिस तरीके की संभावना मिल गई है नहीं नहीं हम तो यही दो कौड़ी का जीवन है हम इसी तरीके का जीवन जिएंगे इसी तरीके की संभावना में रहेंगे तो दोस्तों ये सब जो चल रहा है सही नहीं चल रहा है इसे बदलने की आवश्यकता है भटके हुए मनुष्य को राह दिखाने की आवश्यकता है उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि वो परमात्मा का अंश है भगवान का राजकुमार है दो कौड़ी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है और दोस्तों हम में से प्रत्येक को अपने अंतर्मन में गहरे जाकर के इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने जीवन के साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं गुरुदेव की वसीयत और विरासत का प्रत्येक अंश प्रत्येक लाइन प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक उद्धरण इसी बात की याद दिलाता है कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर मनुष्य जीवन के साथ बड़ी संभावनाओं को लेकर के आया है सामान्य रूप से काम धार्मिक संगठनों का है आध्यात्मिक संगठनों का है और सच कहें तो मानवता के इतिहास में इतना अंधकार भरा समय कभी नहीं रहा कि पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति आलोक बिखेरता हुआ आपको नजर नहीं आता ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस धरती पर कितने भी बुरे बुरे समय आए कितने भी बेकार समय आए हर समय में एक न एक उपस्थिति यहाँ पर हमेशा थी जिनके प्रकाश से पूरी की पूरी सृष्टि आलोकित थी जिनके प्रकाश से पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं उजाला था और दोस्तों ये बड़ा गंभीर समय हम लोगों के सामने आ गया है और आज की तारीख में जब धार्मिक संगठन आध्यात्मिक संगठन जिनके ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है वो लोग अपनी जिम्मेवारी मात्र चंदा इकट्ठा करने तक मानकर कुंभकर्ण की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं तो क्या गायत्री परिवार के सृजन सैनिक भी यही कार्य करेंगे उन पुण्यात्माओं की अंतरात्मा जो इस दिन की प्रतीक्षा में थी वो क्या आज अपने हथियारों को जंग लग जाने देंगे मित्रों हम लोगों का जीवन परम पूज्य गुरुदेव के वंदनिया माता जी के इस गायत्री परिवार को पुष्पित करने में पल्लवित करने में पोषित करने में गया है तो क्या आज की तारीख में हम लोग अपने माथे पर एक कलंक लेकर के विदा होना चाहेंगे कि जब सृष्टि की विषाक्तता को दूर करने का समय आया तब हम लोग अपनी रणभेरियों के साथ वहां पर उपस्थित नहीं थे ये समय वो समय है दोस्तों जिसकी प्रतीक्षा हमारी पीढ़ियों ने करी थी और यह समय हमसे समर्पित होने का संकल्पित होने का और संगठित होने का आह्वान करता है ये समय हमसे आह्वान करता है कि हम लोग साथ जुट करके एक नए उत्साह के साथ परम पूज्य गुरुदेव की कार्य योजना को नए रूप में नए लोगों तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाएं। कुछ सूत्र मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव की वंदनिया माता जी की वसीयत और विरासत में है जो हमें अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है समर्पण संकल्प संगठन इन्हीं तीन चीज़ों पर मैं फोकस करना चाहूँगा वसीयत विरासत में जो पूज्य गुरुदेव ने कहा पहला संगठन को लेता हूँ कि संगठन का जो मूल भाव है दोस्तों यदि किसी संगठन को आगे बढ़ना है संगठन का जो मूल भाव है वो आत्मीयता के और पारिवारिकता के सिद्धांत में है कोई भी संगठन तब सफल होता है कोई भी संगठन तब आगे बढ़ता है जब उसके अंदर आत्मीयता और पारिवारिकता का भाव जिंदा रहता है आप लोग देखें तो पूज्य गुरुदेव चाहते तो गायत्री परिवार को कुछ भी कह सकते थे उनने परिवार कहा और कुछ सोच समझ करके कहा यह सोच समझ करके कहा क्योंकि जो परिवार का भाव है वो भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है परिवार जो शब्द है वो कुटुंब से निकल करके आता है और कुटुंब का संस्कृत में अर्थ होता है उन लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ रक्त से जुड़े हुए नहीं हो जरूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ एक ही परिवार में जन्मे हो पर लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ सहकार के साथ सौहार्द के साथ आत्मीयता के साथ रहना सीख लिया जहां पर लोग इस तरीके से रहना सीख लेते हैं वहां पर वो परिवार कहलाता है इसीलिए तो ये धरती इतने गर्व गौरव के साथ कह सकी अयम ने परोवेति परोवती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम ये तेरा है मेरा है ऐसी कल्पना छोटे बच्चों की होती है बच्चे लड़ते हैं खिलौने के लिए कि मेरा खिलौना है तेरा खिलौना है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम जिनका चरित्र बड़ा है जिनका हृदय बड़ा है जिनके अंदर बड़े भाव हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम उनके लिए पूरी वसुधा का प्रत्येक व्यक्ति एक ही कुटुम्ब का सदस्य है और आज दुर्भाग्य से आप कहीं पर भी चले जाइए परिवारों का अर्थ मुकदमे झगड़ों झंझटों से हो गया है वो जो प्रेम था आत्मीयता थी जिससे परिवारों की पहचान होती थी वो कहीं देखने को नहीं मिलती और इसीलिए हमें गुरुदेव की इस परिभाषा पर पुनः लौटने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार को गायत्री परिवार कहा तो क्यों कहा मैं आपको बताऊं कि विचार क्रांति अभियान युग निर्माण योजना नाम पहले हुआ करते थे पुराने जितने लोग हैं यहां पर वो जानते हैं इस बात को कि पहले गुरुदेव झोले पर हम लोग लेकर के चलते थे युग निर्माण योजना गुरुदेव ने गायत्री परिवार नाम रखा तो लोगों ने पूछा कि साहब आपने गायत्री परिवार नाम क्यों रखा पहले वाले नामों में खराबी थी क्या तो गुरुदेव बोले नहीं ऐसा नहीं कि पहले वाले नामों में खराबी थी पहले वाले नाम भी उतने ही अच्छे थे परिवार नाम रखने के पीछे मेरा बड़ा उद्देश्य है गुरुदेव बोले गुरुदेव बोले परिवार नाम रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि कल को जब नवयुग के निर्माण की परिस्थितियाँ बनेंगी तो लोग गायत्री परिवार को देख करके अंदाजा लगा सकें कि परिवार को किस तरीके से रहने की आवश्यकता है परिवार का क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए परिवार का कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए परिवार को किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए ये आदमी अंदाजा लगा सके इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मैंने गायत्री परिवार की स्थापना करी छोटी छोटी कुछ कहानियां मुझे याद आती हैं दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या भाव गुरुदेव का गायत्री परिवार को गायत्री परिवार कहते समय था एक कहानी याद आती है कि जब किसी व्यक्ति ने गुरुदेव के ऊपर हमला किया गुरुदेव के हाथ में भी चोट लग गई तो एक महिला थी छोटे से गांव की थी उत्तर प्रदेश की वो अपने गांव में गई जो उनके गांव के डॉक्टर थे उनके पास गई और उनसे बोलें कि आपके पास जो सबसे बेहतरीन दवाई हो वो आप दे दीजिएगा गांव के डॉक्टर को तो पता नहीं था कि क्या इलाज करना है गांव के डॉक्टर ने सोफ्रा उनको दी उनने कहा कि साहब सत्ताईस रुपये की आज की तारीख में आती है तब और सस्ती रही होगी दी उनको लेकर के गुरुदेव के पास मिलने के लिए आई गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव मैं आपके लिए दवाई लेकर के आई हूँ आप इसे अपने हाथ में लगाना आप ठीक हो जाएंगे आदरणीय पांडे माँ आज हम लोगों के मध्य नहीं है पर वो भी इस बात के गवाह थे हम सभी लोग इस बात के गवाह थे कि गुरुदेव ने दवाई तो कभी नहीं लगाई उनको लगाने की आवश्यकता नहीं थी अंत समय तक जब तक गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तब तक अपने तकिए के पास उस सूफरा माइसिन को रख करके सोते थे और ये कहते थे कि बेटा दवाई नहीं है मेरे बच्चों का प्यार है बोले मुझे याद दिलाती है कि मैंने गायत्री परिवार की स्थापना क्यों करी गुरु तो कोई भी बन जाता है दोस्तों गुरु तो आज आप यहाँ से चले जाइए देव संस्कृति विश्वविद्यालय तो गली के दोनों ओर हजारों गुरु बैठे हुए हैं गुरु बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं पिता बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है हर कोई पिता नहीं बन सकता हर किसी के अंदर ये भाव नहीं आ सकता कि मेरे एक बच्चा हो दो बच्चा हो चार बच्चे हो चार लाख हो चार करोड़ हो ग्यारह करोड़ हो कितने भी बच्चे हों उन सबकी जिम्मेवारी मेरी उन सबके ऊपर कोई कष्ट आएगा उस कष्ट को हटाने की जिम्मेवारी मेरी है इतना बड़ा वक्तव्य देने का साहस सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव जैसी शख्सियत में हो सकता है दोस्तों ये भाव उनके अंदर था भाव उनके अंदर था कि ये परिवार है हमारे बच्चे आपस में पारिवारिकता के साथ रहें आत्मीयता के साथ रहें अपनत्व के साथ रहें एक दूसरे को अपना मान करके रहें ऐसा गुरुदेव का भाव था मैं समझता हूँ कि संगठन का जो प्राण होता है वो आत्मीयता के भाव में होता है संगठन का भाव अपनत्व के भाव में पारिवारिकता के भाव में होता है एक कहानी और मुझे याद आती है भास्कर भाई साहब हम लोगों के यहाँ हैं अभी गायत्री विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल हैं 1973 में 74 में जब वो आए तो गुरुदेव के पास गए बी एड उनने किया हुआ था पढ़ाते थे स्कूल में तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू क्या करेगा बोले गुरुदेव मैं तो पढ़ाता था तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो अभी स्कूल है नहीं और क्या कर सकता है तू तो? तो बोले गुरुदेव मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा आज से तू तुम्हें गाड़ी चलाना और जब तक पूज गुरुदेव रहे वंदनिया माताजी जी नहीं तब तक गुरुदेव की गाड़ी को अहरण्य शुनी ने चलाया एक दिन मैंने उनसे पूछा कि कोई बड़ा संस्मरण आपका रहा हो तो उन्हें एक संस्मरण सुनाया और मेरे बहुत अच्छा लगता है दिल के बहुत करीब है बोले कि एक दिन आ रहे थे वो हर पौड़ी से तो बहुत ज़्यादा शुरू में जैसा मैंने बोला कि पैसों की परंपरा गुरुदेव ने शांति कुंज में नहीं रखी थी उनका मन हुआ रास्ते में देख करके कुछ लोग डोसा बना रहे थे कि डोसा खालू में अब डोसा देख करके उनका मन किया कि डोसा खा लूँ अब डोसा इतने पैसे उनकी जेब में नहीं थे कि डोसा खा लें तो बड़ा दुख उनके मन में हुआ कि इतना पैसे भी मेरे पास नहीं है शांति कुंज आ गया अब इतने पैसे नहीं है कि डोसा भी खा सकूँ ये सोचते सोचते यहाँ पर पहुँचे प्रतीक्षालय पहुंचे होंगे गुरुदेव के पास से खबर आ गई गुरुदेव ने बुलाया है गुरुदेव के पास पहुँचे बोले गुरुदेव बोले भास्कर गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल ली वंदनिया माता गुरुदेव दोनों आकर के गाड़ी में बैठ गए बैठ गए बोले चल बेटा ऋषिकेश चल ठीक है ऋषिकेश चल दिए बोले मुनि की रेती चल मुनि की रेती पहुंच गए वो मद्रास कैफे के सामने ले जाके खड़ा कर दे वहां जाके खड़ा कर दिया पुराने समय में एक ही हुआ करता था मुनि की रेती में बोले ऐसा कर कि तू तीन मसाले डोसे लेकर के आ अंदर से बोले एक मेरे लिए एक माता के लिए और एक अपने लिए भास्कर ऐसा ले करके आए लेकर के आए और जैसे ही लेकर के आए तो गुरुदेव बोले अरे इसमें तो प्याज है मैं तो खाता नहीं बेटा तू ऐसा कर तू मेरा वाला तू खा ले वंदनीय नहीं आता बोली बेटा मैं भी नहीं खाती तो ऐसा कर मेरा वाला भी तू खा ले भास्कर भाई साहब बोले कि उस दिन जो डोसा खाया था उसके बाद से आज तक डोसा खाने का मन नहीं हुआ मैं समझता हूं दोस्तों की कहानी का जो मर्म है वो बड़ा जबरदस्त है किसके दिल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है साइकोलॉजिस्ट को भी पता होता है और थोड़ी बहुत साधना करने के बाद सामान्य व्यक्ति को भी पता होता है पर हमारे बच्चे को कष्ट है और उसके कष्ट को दूर करने के लिए सब कुछ छोड़ करके हमें अभी ऋषिकेश जाने की आवश्यकता है ये जानने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है ये जानने के लिए आपको गुरुदेव जैसी शख्सियत होने की आवश्यकता है और दोस्तों वो जो भाव था उनके अंदर वो जो भाव था कि हमारे बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए वो आत्मीयता वो अपनत्व हम लोग बड़े जरूर हुए हैं दोस्तों पर कहीं पर वो छोटा सा जो प्रेम का भाव हम लोगों के अंदर हुआ करता था वो कहीं पर खोसा गया है तो मैं कहूंगा कि हम लोग इस संगठन साधना सत्र में जो भाव हमें यहां से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो आपस की आत्मीयता को आपस के प्रेम को लेकर के जाने की आवश्यकता है इस भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि परिवार तभी सुरक्षित रहता है जब आपस का प्रेम जिंदा रहता है परिवार तभी आगे बढ़ता है जब एक दूसरे के प्रति आत्मीयता जिंदा रहती है हम लोग बहुत बड़े हो जाए एवरेस्ट पर पहुंच जाए और एक दूसरे को धक्का देकर के पहुंचे उसका फायदा क्या है उससे ज्यादा अच्छा है कि हम पांच कदम चलें पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो चलें हम लोग सौ हो जाएँ और कौरवों की तरह रहें उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पाँच रहें पर पांडवों की तरह रहें दोस्तों ये जो आवश्यकता है ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जो एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें यहां से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति का प्यार एक दूसरे के प्रति की आत्मीयता एक दूसरे के प्रति का अपनत्व साथ लेकर के जाएँ अहमद शाह अब्दाली जब उसने हमला किया पानीपत की लड़ाई हुई तो दोनों सेनाएं मराठों की सेना अहमद शाह अब्दाली से कई गुना ज्यादा थी कई गुना ज़्यादा थी बीच में नदी उफन रही थी एक तरफ इसका तंबू लगा हुआ था दूसरी तरफ दूसरे का तंबू लगा हुआ था अहमद शाह अब्दाली जो था वो एक दिन राउंड पर निकला सब इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मानसून खत्म होएगा वैसे ही एक दूसरे पर हमला करेंगे और अहमद शाह अब्दाली की सेना घबराई हुई थी कि साहब मराठों की सेना तो हमसे पाँच गुना ज़्यादा बढ़ी है ये तो हटा हरा देंगे हमें दो मिनट में अहमद शाह अब्दाली राउंड पर निकला तो उसने देखा कि कई जगह से धुआं निकल रहा है तो उसने अपने सेनापति से पूछा कि साहब अलग अलग धुएँ क्यों निकल रहे हैं साहब ऐसा है कि ब्राह्मणों का चौका अलग है ठाकुरों का अलग है जो दूसरी जाति के लोग हैं उनका अलग है फिर वो आपस में भी उनकी बैठती नहीं है ब्राह्मणों में भी अलग अलग तरीके के ब्राह्मण हैं राजपूतों में भी अलग अलग तरीके के हैं तो अहमद शाह शाहब्दाली बोला फिर इनको इनको हराने में कोई दिक्कत नहीं है बोले जो लोग साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते उनको हराने में कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों अपनत्व का आत्मीयता का संगठन का ये महत्व है संगठन में योजना कैसे चल रही है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों का प्यार आपस में कितना बढ़ रहा है हम लोगों की आत्मीयता एक दूसरे के प्रति कितनी पनप रही है हम एक दूसरे को कितना प्रेम कितना सम्मान कितना आदर कितना अपनत्व दे पा रहे हैं और दोस्तों वो भाव यदि जिंदा रहेगा तो हम अगली पीढ़ी तक आने वाली जो जनरेशन है उसको कुछ अच्छा संदेश दे पाएंगे कुछ कुछ उसको सार्थक संदेश दे पाएंगे तो एक भाव जो संगठन के साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो आत्मीयता का भाव लेकर के जाने की आवश्यकता है दूसरी चीज़ जो हमें इस भाव के साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो ये लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो शक्तिपीठ है हम लोगों के शक्तिपीठों को बनाने के पीछे गुरुदेव के चेतना केंद्रों को बनाने के पीछे प्रज्ञा पीठ को बनाने के पीछे गुरुदेव का भाव ये था कि वो सारे के सारे जनमानस के भावनात्मक नव निर्माण के केंद्र बन सके वो मंदिर बन कर के रह जाएँ वहां पर कुछ गतिविधियां हों और कुछ ना हो ऐसा गुरुदेव का उद्देश्य नहीं था मैं आपको बताऊं कि जब गुरुदेव ने अपने गायत्री के महापुरुष चरण पूरे किए चौबीस तो जुगल किशोर बिरला जी गुरुदेव के पास आए उस समय गुरुदेव के बहुत भक्त थे वो और गुरुदेव के पास उस समय में दस करोड़ रुपया लेकर के आए और दस करोड़ रुपया लेकर के आए और गुरुदेव से बोले गुरुदेव आपसे बड़ा तो गायत्री का साधक और कोई नहीं है आप ऐसा मंदिर बनाइए गायत्री का क्योंकि बिरला जी का बहुत मन था मंदिर बनाने का बोले ऐसा मंदिर बनाइए जैसा भारत में दुनिया में किसी ने नहीं देखा हो इतना बढ़िया शानदार सोने चांदी का हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ गुरुदेव मथुरा में थे गुरुदेव बोले जुगल जी आप ऐसा करो मेरे साथ विश्राम घाट तक चलो उनको लेकर के चले बोले ऐसा करो आप उन लोगों को गिनो जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हो भूखे प्यासे हो ऐसे लोगों को आप गिनना बिरला जी ने गिनने शुरू करे सौ लोग हो गए अभी घाट तक नहीं पहुंचे थे तो गुरुदेव बोले आपकी जेब में कितने पैसे हैं बोले हजार रुपये बोले दस दस आप हर एक को दे दीजिए बोले जुगल जी आप ये सोचिए आपके पैसे तो मैं नहीं लूंगा पैसे तो मैं किसी के नहीं लेता बोले आप आप ये सोचिए कि हजार करोड़ रुपये का डेढ़ सौ करोड़ रुपये का मंदिर आप बनाना चाहते हो बाहर आदमी भूखा प्यासा बैठा है भगवान को अच्छा लगेगा बोले आपको आपको यदि यही पैसा कहीं लगाना है तो आप स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं लगाते कॉलेज खोलने के लिए क्यों नहीं लगाते अनाथालय खोलने के लिए क्यों नहीं लगाते हॉस्पिटल खोलने के लिए क्यों नहीं लगाते तो गुरुदेव बोले कि भगवान को यदि कहीं बैठना होगा तो लोगों के दिल में बैठे मुझे गुरुदेव बोले मुझे भगवान को बैठाना होगा तो लोगों के दिल में बैठाऊँगा मुझे यदि भगवान को बैठाना होगा तो लोगों के हृदय में बैठाऊँगा उनको चलता फिरता शक्तिपीठ बनाऊंगा उनको चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा भगवान बैठ जाए पर बाकी समय में कुछ नहीं हो इसका फ़ायदा क्या है तो गुरुदेव बोले कि जो बेटा हम बनाना चाहते हैं वो ऐसे मंदिर बनाना चाहते हैं जहाँ आदमी का व्यक्तित्व ही मंदिर बन जाए आदमी ही चलता फिरता भगवान बन जाए तो जो चीज़ है दोस्तों हमें अंदर से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम में से जितने हम लोगों के केंद्र हैं वो गुरुदेव के सपनों के जागृत तीर्थ बनने चाहिए उनमें से प्रत्येक के अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम गुरुदेव की योजना को कितने दृष्टि तक कितनी दूर तक हम गुरुदेव की भावनाओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और जिस दिन ये भाव हम लोगों को दे पाएं उन केंद्रों के माध्यम से दे पाएं उन दिनों में सही अर्थों में वो शक्तिपीठ जागृत तीर्थ बन पाएंगे तीसरी चीज़ जो दोस्तों हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो ये लेकर के जाने की आवश्यकता है कि युवा क्रांति वर्ष है युवा जागृति वर्ष है जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यहाँ से निर्देशित किया है कि वर्ष युवा क्रांति वर्ष है नए युवाओं को जोड़ने की नए लोगों तक पहुँचने की आवश्यकता है और जैसा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चैरिटी बिगन सेट होम कि हम लोगों को इसकी शुरुआत अपने घर से करने की आवश्यकता है यदि हम लोग ये मान लें कि गायत्री परिवार में ग्यारह करोड़ के करीब कार्यकर्ता है उतने नहीं है एक करोड़ उतने नहीं है पचास लाख हम इतना मान लें कि हम लोगों के पचास लाख एक्टिव कार्यकर्ता है और ये मान लें कि हर एक के अंदर दो के करीब बच्चे प्रत्येक परिवार के अंदर ऑन एन एवरेज होंगे यदि वो दो बच्चे जो हैं गायत्री परिवार के अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के विद्यार्थी हैं बच्चे हैं उनमें से प्रत्येक गायत्री परिवार का नैष्ठिक कार्यकर्ता बन जाए तो आने वाली जनरेशन तो वैसे ही तैयार हो जाती आज की तारीख़ में हम लोग जो सोच सकते हैं दोस्तों ये कि गायत्री परिवार में दो तरीके के यूथ हम लोगों को देखने को मिलते हैं एक वो जो ऑलरेडी बहुत भाव के साथ काम कर रहे हैं आप में से बहुत सारों के अपने बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत निष्ठा के साथ बहुत समर्पण के साथ गायत्री परिवार का काम कर रहे हैं और ये समय उनकी जिम्मेवारियों को बढ़ाने का है ये समय उनको नई जिम्मेवारियाँ देने का है आप लोगों के सामने रहते रहते यदि वो अपनी भूलें करेंगे और अपनी भूलों से सीखेंगे तो ही वो आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दे पाएंगे उनको ये जिम्मेवारी देने का है कि वो लोग कुछ अच्छा करें अच्छा करने का प्रयत्न करें सामूहिक संदर्भ में करें और उससे कुछ सीख करके नई जनरेशन तक कुछ पहुंचा पाए और जो दूसरी जनरेशन है वो उन लोगों की है जो हमारे साथ जुड़े तो हैं पर किसी कारणों से वो लोग गायत्री परिवार के विराट रूप को नहीं समझ पाते वो आते तो हैं पर इस भाव को महसूस नहीं कर पाते कि हमें गायत्री परिवार के साथ क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों उन लोगों तक गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव के विराट रूप को पहुंचाने की आवश्यकता है शायद हमको हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि हमारे गुरु दुनिया के अकेले ऐसे गुरु थे जिनने 40 वर्ष एकांत में गुजारे और बाकी के 40 वर्ष में वो उतना लिख गए जितने दुनिया के इतिहास में कोई लिख करके नहीं गया शायद हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि पूरे के पूरे सृष्टि के इतिहास में अब तक चार ही लोग ऐसे हुए हैं जिनने पूरे के पूरे आर्ष साहित्य का अनुदान किया हो और उनमें से तीन लोगों के अनुदन कहीं देखने को नहीं मिलते सिर्फ गुरुदेव का देखने को मिलता है शायद हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि यदि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर तपस्या करे तो उनके बराबर तपस्या नहीं कर सकता हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरे तो लेक्चर्स को रिकॉर्ड मत करना उसके बावजूद छह हजार से ज्यादा लेक्चर हम लोगों के पास कैटलॉग्ड है हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि एक व्यक्ति आया था जो सौ से ज्यादा जीवन एक साथ जी करके गया है हम लोग उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि अकेला गायत्री परिवार ऐसा है जिसके ग्यारह करोड़ कार्यकर्ता हैं नौ के करीब केंद्र हैं और सारे के सारे निःशुल्क भाव से चलते हैं आप लोग शांति कुंज में आए एक दिन के लिए आए एक माह के लिए आए एक जीवन के लिए आए तीन जीवनों के लिए आए यहां पर आपसे कभी किसी चीज के लिए पैसा नहीं लिया जाता हम उनको ये बताने से वंचित रह जाते हैं कि समयदान अंशदान की परंपरा पर चलने वाला यह अकेला आश्रम है दोस्तों हमें अपने उन युवा भाइयों को यह भी बताने की आवश्यकता है कि जो गायत्री परिवार है ये मानवता के इतिहास की दुर्लभ घटना है ऐसी घटनाएं कभी रोज रोज नहीं घटती आज की तारीख में जब व्यक्ति व्यक्ति को मारने पर आमादा हो समाज अपने को नष्ट करने पर उतारू हो तो गायत्री परिवार अकेला ऐसा परिवार है जहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के अलग अलग संप्रदाय के लोग एक छत के नीचे रहकर एक उद्देश्य के लिए निरंतर अहरनिष्ठ प्रयत्नशील है ये मानवता के इतिहास की दुर्लभतम घटना है दोस्तों और ये गौरव हमें अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर आने वाली पीढ़ी के अंदर पैदा करने की आवश्यकता है ये भाव आत्मीयता का अपनत्व का पारिवारिकता का हम लोग यहाँ से लेकर के लौटें संगठन का ये भाव लेकर के लौटे हैं कि हमें नए व्यक्तियों को नए युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है और अपने परिवार से शुरू करने की आवश्यकता है इस भाव को हम लोग यहाँ से लेकर के लौटें कि हमारे जो शक्तिपीठ हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जागृत केंद्र हैं वो जागृत तीर्थ बने वहाँ पर जो व्यक्ति आए जीवन के लिए अच्छी प्रेरणा लेकर के जाए जीवन के लिए अच्छा पर्पज लेकर के जाए और इन सब के साथ हम लोग ये भाव लेकर के जाएं दोस्तों कि दिखने में कोई भी व्यक्ति काम करता हुआ दिख सकता है पर सत्य यह है कि हरेक के पीछे हर कठपुतली के पीछे उंगलियाँ सिर्फ चलाने वाले के काम करते हैं हम में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता हुआ देख सकता है सत्य है कि हमारे पीछे ऊर्जा सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनिया माता जी की काम कर रही है कुछ को किसी से भी कराना चाहेंगे तो करा लेंगे उनको अच्छा लगेगा तो एक व्यक्ति से ये काम करा लेंगे उनको अच्छा लगेगा तो दूसरे व्यक्ति से वो काम करा लेंगे हम लोगों का सौभाग्य तो इस बात में है कि उनने हमें किसी काम को करने के लिए चयन किया और जब ये सौभाग्य हम लोगों को मिल गया है कि हम लोगों को गुरुदेव ने माता जी ने इतने अपनत्व के साथ आत्मीयता के साथ इतने प्रेम के साथ इस परिवार का अंग बनाया है तो हम लोगों को अपने सौभाग्य को सराहने के साथ साथ कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि हमारी पीढ़ियाँ उसके बाद की पीढ़ियाँ हम लोगों के जीवन पर गर्व और गौरव महसूस कर सकें तो ये भाव हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों एक भाव अंदर से इस तरीके का निकल करके आए कि वो शक्ति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जिनने अपने जीवन का एक एक क्षण अपने जीवन का एक एक सेकंड मानवता के विकास के लिए लगाया पीड़ितों के कष्ट को भुलाने के लिए लगाया उनके इस महायज्ञ में हम लोगों की कितनी आहूतियाँ जुड़ पा रही हैं उनके इस महायज्ञ को सार्थक बनाने के हम लोग क्या कर पा रहे हैं ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है और मैं फिर से आप लोगों को इतने धैर्य के साथ इन बातों को सुनने के लिए धन्यवाद दूंगा मैं जानता हूं कि गायत्री परिवार के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग जिनने अपने जीवन का एक एक क्षण इस परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगाया आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के साथ सीधे वार्ता करने का ये सुअवसर मिल रहा है तो एक बार फिर से मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ कि आप लोगों के साथ आज ये बातें करने का अवसर मिला साथ ही साथ हम सब सौभाग्य को सराहता हूँ कि हम लोगों को गुरुदेव माता के परिवार का अंग बनने का अवसर मिला तो हम लोग यहाँ से एक सद्भाव को लेकर के वापस लौटें गुरुदेव के वसीयत और विरासत से इस भाव को साथ लेकर के लौटें कि आत्मीयता का भाव जिंदा रहेगा तो संगठन ज़िंदा रहेगा इस भाव को साथ लेकर के लौटें कि परिवार जिंदा रहेंगे तो सारी की सारी योजनाएं जिंदा रहेंगी इस भाव को साथ लेकर के लौटें कि आने वाली पीढ़ी को आने वाली युवा जनरेशन को हमारे से विरासत लेने की आवश्यकता है जो हमने गुरुदेव से सीखा है उनके व्यक्तित्व से कृतित्व से अपनाया है उसे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और ये शुरुआत आज के दिन हो इसी क्षण हो यानी पलों के साथ हो ऐसी ही हम लोगों की शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद